चलो भाई है वो स्टार्ट। लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कैसे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। कितनी जीरो आएंगी किसी भी संख्या के बाद में अगर हम मल्टीपल करते हैं, एडिशन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो आफ्टर द नंबर संख्या के बाद में कितनी जीरो आएंगी इसका कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं चाहे एसएससी के एग्जाम्स की या रेलवे के एग्जाम्स की, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट सी टेट वगैरह टीचर के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जहाँ जहाँ संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो से आपको एक सवाल आपका पक्का मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति के सवालों को। तो भाई संख्या पद्धति में अगर बात करें नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है, तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिखा कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × … और मेरा मल्टीप्लाई 100 तक चल रहा है। जब मैं इन सारे के सारे नंबर्स का, इन सभी नंबर्स का, इन सभी संख्याओं का गुणा कर दूं, काका दुलल्ला गुणा कर दूं, और जब इन सबों को गुणा कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी, मतलब संख्या तो बन के आएगी लेकिन आफ्टर कितनी जीरोस बन के आएंगे, ये कितनी जीरो होंगी, ये तो मनते पूछेगा, पक्की बात है। कोई 100 एग्जाम हुए सब में पूछेगा पक्का। चलो अब जो क्वेश्चन है सकत है, अब तुमन ते सीधो सीधो पूछ ले भाई फैक्टोरियल 400 बताए बेटा कितना आंसर आवेगो, कितनी जीरो होंगी आफ्टर, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी संख्या के लास्ट में, पहले से कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए कि अगर आपका लिखा है 8000489000 तो आपकी जो जीरोस गिनी जाएंगी आफ्टर द नंबर संख्या के बाद वो कितनी गिनी जाएंगी, इनको गिनते हम कितनी जीरो होंगी संख्या के बाद में गुणा करे हुए पे। क्लियर है? सबन ने समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझ लो छोटे छोटे, एक कॉन्सेप्ट है और जही तो तुम धज्जी उड़ाए देंगे या चैप्टर की या टॉपिक की। तो देखो सा कैसे, मान लो कि 5 कोई संख्या है और मोए पतो है कि जीरो बने हुए का दो चीज होनी चाहिए, एक का होनी चाहिए, एक होनी चाहिए दो और एक होनी चाहिए 5। अगर ना होगी 2 और ना होगी 5 तो डंडा बजेगो नहीं, कहवे को मतलब का है सीधो सीधो कि भैया इन दोनों ने के बीच में लगाए दो गुणा तो बन कितने के आएगो, 10 बन के आएगो, तभी तो संख्या के पीछे जीरो आई है और मैं हटाए दू 5 है, का बचेगो बाबा जी को ठुल्लू नहीं बचेगा कुछ, जीरो आवेगी नहीं, एक लगाए दो 2 आवेगी नहीं आवे जीरो पक्की बात है। तो फिर क्या करेंगे कि भैया जीरो बनाए हुए का मोए चाहिए 5, का चाहिए 5, 5 चाहिए अंग्रेजी भाई, और का चाहिए, और चाहिए मो 2, का चाहिए 2। अब तुम बोलेंगे 2 और 4 आ जावे तो 6 आ जावे तो सीधा सीधा सिस्टम हुए कि अगर 2 हुए या कोई सम संख्या हुई तो काम चले जागो, कोई सम संख्या हुए तो काम चल जाओ, कि तुम बोले 6 का दोसा तो करके देख ले बेटा 6 × 5 = 30, जीरो तो फिर आ रही है पीछे आ रही है कि नहीं। तो कहवे को मतलब वो है कि अगर मुझे जीरो चाहिए तो एक चाहिए सम संख्या और एक चाहिए 5, और बिना 5 के तो कछु होगा ही नहीं। तो 5 पे 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, कितने 2 कॉन्सेप्ट, सिर्फ जामे जी है और कच्छू ना है, जब पूरे में बस जी पूछोगे हो और कछूना है कितनी जीरो बनेंगी। तो मुझे सीधी सीधी समझ में आ रही है कि अगर पांच कैसी हुए सम संख्या हुए गुणा में, कैसी सम संख्या यानी कि इवन हुए, कहा हुए सरकार इवन हुए, 5 कैसी हुए सम हुए तो कहा आवेगी जीरो आवेगी, और 5 हुए विषम गुणा में यानी कि ओड में आवे तो का आवेगी 5 ही आवे। बात समझ में ना आई, पल्ले ना परी अब परेगी। अगर 5 के गुणा में कोई सम संख्या आवेगी तो पीछे का आवे संख्या के
जीरो आ भाई। अरे अच्छा है, और समस्या है इठे के नीचे ही भाग गए वो, यो ना इठे को रही है डबल दे दियो। हाँ भाई, पांच के गुणा में अगर आवे सम संख्या, का आवे सम संख्या तो आवे जीरो, और पांच के गुणा में आ जावे विषम संख्या तो का आवेगी पांच आ भाई। अब तुम कैसे करेंगे, सीधो सीधो देख लाला, देख ले पांच को गुणा अगर मैं सम संख्या चार ते गुणा कर दूं तो बीस आवेगो पक्को है। पांच को गुणा में अगर छह सम संख्या ते कर दूं तो तीस आवेगो। पांच को गुणा अगर मैं सोलह ते कर दूं, कितने ते कर दूं, सोलह ते कर दूं तो अस्सी आवेगो। कहवे को मतलब ये है कि सम ते कर दे आए तो पीछे जीरो ही रही है, चाहे बन जावे डबल जीरो चौनी, क्लियर है। और मैं पांच को कर दूं तीन ते पंद्रह आयो, पांच आयो नहीं। और मैं पांच को कर दू का सात ते कायो पैंतीस, तो कहवे को मतलब ये है कि अगर पांच को गुणा विषम संख्या ते करेंगे तो का आवेगो पांच आवेगो यूनिट डिजिट का आवेगो तो का आवेगो। तो सीधो सीधो बात है कि पांच को गुणा विषम संख्या ते करेंगे तो यूनिट डिजिट आवो पांच, यूनिट में पांच आ जावो, और पतला कहवे को मतलब संख्या में जीरो नहीं आवेगी, क्लियर है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लियो, पहले सवाल करो एक छोटा सा कि गुणा कर दो मैंने पिचहत्तर को, एक सवाल करते हैं फिर मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जाते तुम धुआं देवने का सीख जाएंगे, मतलब सवाल ने रमेटम सीख जाएंगे। बस पिचहत्तर को गुणा 256 ते कर दो, पिचहत्तर गुणा 256 2250 79 2250 79 और कितनी है 88। अब तुम इनको कर दो सा गुणा और पीछे कितनी आंगी जीरो, हमें बतानी है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। ऐसा तो मनते सवाल पूछ लेगो, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, जीरो ने की संख्या बताओ, लगाए दो बताए दो सा कितनी होगी जीरो की संख्या। तो सीधो सीधो पैटर्न हमें पता है कि पांच के काजे चाहिए एक सम संख्या तभी बनेगी जीरो, तभी तो बने जीरो। और तुम यहां देखें सम संख्या 88 में नुमंग, 2250 में नुमंग सम संख्या, और 256 में दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौसठ दुनी 128 दुनी 256, भाई साहब कितनी जीरो है, आठ जीरो है अकेली 256 में। कहवे को मतलब ये है कि सम संख्या हो तो कोई घाटो ही ना है, बफर सिस्टम लगे रहो समन को। तो तुम क्या कहेंगे, ढूंढो पांचन ने जितनी पांच बितनी जीरो, तो पिचहत्तर में कितनी होंगी, तुम बोलोगे पांच गुणा तीन बनेगो पिचहत्तर, बनेगो क्या नहीं, 256 में समय ही समय आठ दो है, 2250 में कितने के हैं, तो तुम क्या बोलोगे सज्जी पांच को गुणा पांच ते कर दियो, पांच को गुणा पांच ते कर दियो, कितना होगा 25 और 25 पंजे 125, फिर बोलोगे सज्जी जाओ दो को गुणा और कर दियो और इतक कर दियो नौ को गुणा, हैगे फैक्टर हैगे फैक्टर, बोलो कोई दिक्कत, दो गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा नौ 2250 के फैक्टर है, क्लियर है। तो पांच आने की संख्या पता चलेगी जाम कितने के, आगे देख लेते हैं 79 एक होना है ना, तो या मैं सम ना विषम भाड़ में जान दो, 88 समन को कोई घाटो ना है, समन को कोई घाटो ना है, क्यों 256 ही आपके लिए आठ अन्य लेके बैठी है, 88 में तो है 2250 में एक दो है तो समन को तो कोई घाटो ना है। तो कितनी पांच है, एक दो तीन चार पांच, तो जो इनको गुणा है के आवेगो विन सवन के लास्ट में कितनी जीरो आंगी पांच आंगी, यहाँ कोई संख्या बन के आ जाएगी, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी सरकार मेरी लल्ला मेरी, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी आपकी पांच, कितनी हो गई पांच है गई जीरो ने की संख्या। बात समझ में आई क्या नहीं, कॉन्सेप्ट पल्ले परो अभी और पर है गो, अभी तो मैं बहुत कछु करांगो तुम्हें हड्डी तोड़ देंगे ना कि लियो सा एक सवाल और समेट लियो बका सामन दियो, जो सवाल है शून्यों की संख्या क्या होगी, सवाल थोड़ा सा बड़ो है
चलो मैं लिख ही देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, जीरो शून्यन की संख्या बताओ, शून्यन की संख्या बताओ। तो सवाल हुआ दो की पावर नौ, तीन की पावर ग्यारह गुणा दो की पावर सात गुणा पांच की पावर सात गुणा कितनी को आवो सा सात की पावर छ, पांच की पावर सात, सात छ आठ नौ, सात छ आठ नौ, और को छुआ तो गजा में तो दस की घात चार है। बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जीरो न की संख्या कितनी होगी बता है बेटा। तो द्व की पावर नौ, सम संख्या कितने कह गई नौ, तो जय में है गई। द्व की पावर सात, सम संख्या कितने कह गई सात और मिल गई, सात नौ सात सोलह, कोई घाटो न, दसमें मिल जाएंगी और आठम मिल जाएंगी, मतलब सम को तो कोई घाटो नहीं। और जीरो बनाए हुए क्या दो चीज चाहिए, पांच और दो ना को कोई घाटो ना है, बफर सिस्टम लगे रहो ठुसे जाओ। तो हमें का ढूंढनी है जितनी पांच बितनी जीरो खत्म। तो पांच कितनी है नंबर ऑफ फाइव, तो पांच है गई ये सात, पांच की पावर के सात, तो सात पांच तो यहां होंगी, पांच कितनी होंगी जहां में सात होंगी। और जब दस की घात चार या देखे तो दस को मतलब होगा वो तो है, दस को मतलब वो तो बेटा दो को गुणा पांच ते कर दो, जी तो होतु है जी होतु है। और जागी पावर लग रही है पहले तो कितनी चार, तो जाओ मतलब है दो की पावर चार और गुणा पांच की पावर चार, तो जब पांच कितने कह गई पांच हो जा में चार होंगी, तो कुल मिला के पांच कितनी होंगी जा में चार होंगी, तो कुल मिला के कितने कह गई सात और चार कुल मिलाया के ग्यारह पांच है गई। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होंगी इसमें, नंबर ऑफ जीरोज ग्यारह ही होंगी सा, कितने होंगी ग्यारह होंगी। बस समझ में आई नहीं, क्लियर नहीं? अरे वो एक डायलॉग चल रहा है यार, ऐसा करेंगे ऐसे चल रहा पता ना मुझे निकाह है। चलो कोई बात नहीं, हम सवाल है देखा दे बारह में आंदे हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलो देख लेते हैं काय एक और सवाल, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है सर ज्ञात करेंगे। सवाल का है एक गुणा द्व गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच गुणा सौ, चलो दो सौ कर देते हैं, ना देखे में मुंह मजा सो लगे, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगे, पर यहाँ तो कोई संख्या आ जाए पीछे का नोचे जीरो ही तो आवेगो। अब सीधी सीधी बात है कितनी जीरो होंगी, लगा ले गुणा, एक को द्वे ते करो, द्वे को तीन ते करो, तीन को चार ते करो, पान नहीं पड़ेगी। पांच ढूंढ ले मैं कितने के जामे, पांच हजार रही दस में होगी पंद्रह में होगी, और मैं लाइन लगे दू बीस हजार, बोली सी वृंदावन बिहारी लाल की जे हैगी ना। अब मुझे एक बात बताओ कि हम तो गिनती गिनती पागल है जाएंगे और टाइम मिल रहा वहां में तीस सेकंड को सॉल्व करे भी कोई ज्यादा ज्यादा कोई पेपर हुई तो क्या करेंगे, जाओ अचार डाल लेंगे। देखो सा ऐसा कबू सवाल दिख जावे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, चाहे बोलते क्रमागत इंग्लिश में बोलते थे कॉन्जिक्यूटिव, और जब आ जावे कॉन्जिक्यूटिव तो पकड़ लो सवरे नंबर के लास्ट में नंबर है, सबनते बड़ी संख्या है पकड़ लो। कितनी है बड़ी संख्या, 200, कितनी है 200। और मुझे एक बात बताओ सा वैसे और जीरो बनाए हुए का सबनते महत्वपूर्ण संख्या का है पांच, पांच ही तो है, तो एक काम करो जहां में लगाए दो पांच को भागो, कितने को भागो, जितने बार चलो जाए तो ठीक है, शेष बच जाए तो भाड़े में जान दो। कैसे
पांचों भाग लगाएंगे तो पांच चौका 20 और पीछे जीरो तो जीरो 40 आएगी। अब जी जो निकल के आयो का जो में फिर लगा दो पांचों को भागो तो कहते आवो पानु अट्ठा 40 और आठ बचो जा आठ मुंह लगा दो सब पांचों को भागो तो कहते आवो पांच एकन पांच पांच एकन पांच बच्चे कहते तीन। अब कोई मतलब सिस्टम बन रो ना जामे छो भाई बनेगा कोई सिस्टम वो तो लग रही ना कोई बच्चे को। हाँ भाई पांच ते अगर भाग लगाएंगे तो कितने बनेगा इतने कोई बनेगा। अब देखे तो नंबर ऑफ जीरो जो कितनी है जाएंगी जामे भाई सीधो सीधो मैटर हुए फंडा अकेलो है तीन बच्चे हो तीन पे भाग जाओ नहीं फिर तो क्या करेंगे टोटल जोड़ के देख लो 40 और 8 48 और 1 49 तो कुल मिला के कितनी आएगी नंबर ऑफ जीरोज 49 जीरो होंगी। कितनी होंगी जीरो मतलब इन सबनों को गुणा कर देंगे अंत में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी आवे संख्या के बाद में 49 आवे कितनी आवे 49। एक सवाल और देखते हैं सर तुम बोलोगे अरे लगा दी आग पानी में क्या बोलोगे तुम कि लगा दी आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छुड़ाई लियो सिलेक्शन है पढ़ाई बातें कहते हैं कहानी उसे कहते हैं। लगा दो भाई सवाल एक गुणा दो है गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच गुणा डॉट 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 360 360 किस किस क्रिकेटर को कहते हैं 360 का एंगल से शॉट मारे एवी डिविलियर्स माय नॉन फेवरेट प्लेयर नहीं है अच्छा तो नहीं है वैसे अच्छा प्लेयर है। चलिए भाई तो इसको करेंगे तो क्या करेंगे साहब क्या करें अब एक तरीका और लग रहा कछु कजा कैसे करें जाए करवे आज है क्रमागत चल रही है कंजुकेटिव चल रही है अच्छी बात है सवंते बढ़िया पकड़ लियो नहीं और दे मारा सोटा मतलब पांच को लगाए दो भागो 360 लगाओ पांच का भाग ओम भूर्वश तशुत्रम भरेण्यम लगाओ पांच का भाग। पांच का भाग लगाएंगे पांच सत्ते 35 बचेगा एक और पांच दूनी 10 बचेगे पांच दूनी 10 बचेंगे का बचत ही रहेंगे। अब कितना बचो सा 72 लगाए दो पांच को भागो पांच एकन पांच बचेंगे कितने दो और पांच चौके 20 बचेंगे दो भाड़ में जाने दो। बात समझ में आई के ना बचे कितने दो अरे बचे कितने दो भाड़ में जाने दो और 14 आयो 14 में लगाए दो पांच को भागो के पांच दुनी 10 बचेंगे कितने चार भाड़ में जाने दो चार को। अब यहां से आगे भाग जाएगा नहीं मेरे लाल और भाग ना जाए तो तुम कर दियो जोड़ा 72 और 14 86 और 2 88 कहवे को मतलब जी है कि नंबर ऑफ जीरोज हो गई 88 मतलब कितनी जीरो होंगी मेरे सरकार सांप सीढ़ी सी चल रही है 88 होंगी कितनी होंगी 88 होंगी बोलो कोई दिक्कत। अब तुम बोलोगे ना ऐसा मजा ना है रो नहीं करो चलो सा यहाँ का बारात में साई सा चल रही है। देखो अगले सवाल देखा था ठीक है भाई पल्ले पर रही है ना नेखा तो कहानी मेरे बांके बिहारी लाल नंद गोपाल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं छीन लो सिलेक्शन को कहानी उसे कहते हैं। बताओ भाई कितनी जीरो होंगी जामे बता सकते हैं कितने का जीरो होंगी जामे तो मियो तो सीधा सीधा फंडा है सवंते बड़ी पकड़ लो पकड़ लाए साहब कितनी 500 लगा दो पांच का तुम भाग लगा दिया 100 बार जाओ सवन ने पता है छा भाई सवन ने पता है जितना 100 बार जाओ और जो 100 आयोगा जो पांच को भाग लगा दो सवन ने पता है 20 आओ तुम्हें ना पता
पता है 20 रन लगाए थे, 5 चौका 20, अब या 4 में 5 होगा, चलो जाओ बताओ मुझे, तुम आओ बताओ, सब जानते हैं नहीं जाओ तो एक काम कर लियो, जोड़ लियो सबन ने, 120 4 124, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी मेरे लाल, नंबर ऑफ जीरोज। तो इस संख्या का अगर पूरा 500 तक गुणा कर दें तो 124 जीरो संख्या के बाद में रेपटोस मारेंगी, मतलब समझ में आएगी कि नहीं, पीछे ते आएंगी, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरे सांवरी सूरत पे मोहन दिल मेरा जो आ गया, 1×2×3×4×.... 378, पता हो सा कितनी जीरो होंगी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, शून्य की संख्या कितनी होंगी, हे बालक इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब तुम्हें तो सीधी पता है सा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, 378 लगाए दो, कितने को भागो, 5 को भागो, और 5 को भाग लगाएंगे तो 5×7=35, बचे कितने, 2×5=25, कह बात चलोगो 75 बार, तुम बोलोगे कहा कर रहे चार डारेंगे या 75 को लगा दो 5 को भाग, फिर 15 बार, 15×64 75, 15 को क्या करोगे लगा दो 5 को भाग, 5×3=15, अब जाते ज्यादा चलो जागो, कोई मूर्ख ही होगा जो देगो, टोटल जीरो कितनी आ गई, 75, 15, 90 और 3, 93, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरो छिकाऊंगी, नंबर ऑफ जीरो होंगी, कोई दिक्कत है काऊ है, कोई समस्या हो काऊ है तो बताऊंगी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और तुम मैंने टसन सुनाएगा नहीं बताओ, सही सी बताइयो, 2-3 सवाल जो कहेगे तुम्हारे टसन सो आएगा, ज्यादा वाले करियो तो भाई टसन है शांत करेगा, ये सवाल चाहे टसन है शांत करेगा जी, मैं सवाल लाऊंगा अब कलो वो पता ही, और टेढ़ी टेढ़ी नजर दे तुम देख के हिठ रहे होंगे, इतने हिठाओ मत बेटा, नंबर ऑफ जीरो जो बताइयो, ठीक है, फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 17 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है भाई, 5 की पावर 28, तो फैक्टोरियल का मतलब तो मैं तुम्हें बताया था, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 4 लिख रही है कहूँ, तो चाहे ऐसे लिख देते हैं और चाहे ऐसे लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन होना जा, मतलब होता है 4×3×2×1, मतलब जो फैक्टोरियल दे रखा होगा बात पीछे चल दो 1 तक क्रमागत रूप में, जैसे फैक्टोरियल 9 दे रखो है तो जाओ मतलब है जाओ 9×8×7×6×5×4×3×2×1, जो काय को मतलब है जाओ फैक्टोरियल 9 को मतलब है जाओ पक्को है, कोई समस्या काऊ है ना है, ठीक है सर ना है समस्या। अच्छा तुम देखो सीधो इतने पढ़ो चाहे इतने पढ़ो, गुणा करेगा तो आनो एक ही है, 5×4 या 4×5, उत्तर तो तुम आओ 20 ही आओ, तो कहवे को मतलब ये है कि जा मैं कहा करे, तो तुम्हारे दिमाग में सीधी सीधी फंडा फंस रो होगो, आंसर लगायो तुमने कमेंट में लिख दियो, एक आ तो जाको लग गो, तो सीधा सीधा फंडा तुम्हारे दिमाग में आयो हो कि मास साहब जाओ जाओ बताओ, 5 नहीं संख्या तो कोई कमी ना है, कोई कमी है तो मुँह बताओ, घूरे के घूरे चिन्ने 5 नखे तो 5×28 है, तो 5 नहीं कमी तो कोई अति नहीं, तो 1×5 के संग 1 सम संख्या तो होनी चाहिए, कहवे को मतलब कम से कम 2 तो होनी चाहिए, जब ही तो 5×2 10 होगी 0 बनेगी, तो तुम्हें कहा कहेंगे 5 नहीं संख्या तो बहुत हो जा में 2 ढूंढ लो कितनी है पता बच जाएगी, और सीधो सीधो फंडा देखो 2 ढूंढनी है तो 2 को भाग लगा दो, और 5 ढूंढता गए तो 5 भाग लगा बते, 4 ढूंढनी है तो 4 को लगा दो, 7 ढूंढनी है तो 7 को लगा दो, अपने आप पता बच जाएगी, क्लियर है कि ना, कहा वो कोई समस्या हो तो बताओ, और मुझे तो सीधो सीधो बताओ 2 पैटर्न पता है, फैक्टोरियल 9 में जामे तुम 2 ढूंढ लियो कितनी है, 3 जामे 2 होंगी 1 जामे होगी
हजार में होंगी और 1,000 में होगी, तो 8 और 1 9, 9 2 11 और 1 12, फैक्टोरियल 9 में 12 9 होंगी। ऐसे ही तुम 17 में ढूंढ लेंगे, और मान लो जे जाओ तो 51, फैक्टोरियल 51 तो ढूंढ पावते, फिर समस्या आती क्या नहीं? तो समस्या आती तो सीधो सीधो दिमाग लगा लियो कि इन झंझटन में क्यों पढ़ रहे हैं भाई तुम, कि जा खोलेंगे गुणा करके दो ढूंढेंगे। तो तुम्हें तो पता है ना जो सबनते बड़ी संख्या जी न्यों करके न्यों चल रही है, चाहे जाए तुम न्यों चलाए दो, चाहे जाए तुम न्यों चलाए दो, गुणा करेगा तो उत्तर एक ही आवो, आवो के नहीं? और जब गुणा करके उत्तर एक ही आवो तो सबनते बड़ी संख्या पकड़ रही नहीं पहले, और अब सबनते बड़ी संख्या फैक्टोरियल 9 है तो सबनते बड़ी 9 है जाएगी, फैक्टोरियल 360 है तो सबसे बड़ी संख्या 360, तो जब 9 में ढूंढ लियो कितने के, 9 में भाग लगा दो 5 को, काहे को भाग लगा दो 5 को? तुम बोलोगे मास्टर पागल है वो क्या, ढूंढे तो हम द्वे रहे हैं सम संख्या, 5 क्यों लगाएंगे? तो मैंने बोली सही क्यों ढूंढ रहे हैं, तो मैं द्वे को लगाओ भागो, कितने को होगा 2 चौके 2 चौके 8, 2 चौके 8, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, ये 3 होंगी जामे, तो कितने कह गए 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7 होंगी ना, जाम दो सम संख्या 7 ही तो होंगी, और तुम बोले 2 को भाग लगाए दो 4, 4 में भाग लगाए दो 2 को, 2 2 4 और 2 में भाग लगाए दो, फिर 2 को जाहिर हो तो 2 1 2, कितनी 2 है गई जाम कुल मिला के 7, तो 2 है गई, कितनी 2 है गई 7। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि जा फैक्टोरियल 17 में कितनी होंगी, तो सबसे बड़ी संख्या का है 17, 17 में भाग लगा दो 2 को, क्योंकि हम कहा ढूंढ रहे हैं 2 ही तो ढूंढ रहे हैं, 2 8 16, 8 हम भाग लगा दो 2 ते 2 6 8 और 4 में भाग लगा दो 2 को, 2 2 4 और 2 को भाग लगा दो 2 में, 2 1 2, कितनी जोड़ियों 8 और 4 12 और 2 1 12 और 2 14 और 1 15, कितनी है गई 2 जामे 15। तो दोनों ने जब जोड़ेंगे, दोनों ने हम जब जोड़ेंगे तो कुल 2 कितनी बनेंगी, कुल 2, तो भैया कुल 2 बन गई 15 और 7, 15 प्लस 7 कहवे को मतलब 22 बनेगी ना, कितनी बनेगी 22, और 5 नहीं कोई संख्या नहीं, कोई कमी ना नुमंग गल्ले ना, तो कहा जाओ जीरो ने की संख्या कितनी है जावी 22, जीरो ने की संख्या है जागी, क्योंकि 5 तो हमारे पास था वहां में, द्वे जितनी होंगी बीते की 0 बन जाएंगी, अब पहले द्वे बहुत हुई 5 कमी, अब 5 बहुत हुए द्वे कमी, आई वांट आंसर, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 22 होंगी। बोलो काउ स्टूडेंट का कोई समस्या, कितना टाइम है गो भैया, 27 मिनट है गई, अपलोड करनी है जी हमें, नेट जाओ तो नहीं किधर है, तो बाकी के जितने कॉन्सेप्ट बचे हैं बताओ मुझे कितने कौन कौन से बचे हैं, बिन सवाल ने कर लेंगे हम कल ले, कब कल ले, तो आज पहला पार्ट है वो जाकर नंबर ऑफ जीरो, देखो यूनिट डिजिट में तो मैं कराए चुका हूँ, ठीक है इकाई का अंक क्या होगा वो तो तुम्हें बता दी मैंने, और दूसरा पॉइंट हो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर सिस्टम होगा दूसरा पार्ट मैंने कराया, तो तीसरे पार्ट में जब नंबर ऑफ जीरोज की कचू टफ टफ कर सवाल कठिन कठिन सवाल ने कराए देंगे, नंबर सिस्टम में जितने टॉपिक तुम्हारे खत्म भाई, 2 नंबर तो तुम्हारे पक्के है सी भाई, काउ एग्जाम में आओ यूनिट डिजिट या नंबर ऑफ जीरोज तो पूछ ही ले तो मरे ते मरो, ठीक है तो ध्यान रखियो इन सवालों ने तुमने करके जाइयो सब के सब स्टूडेंट जितने को हैं फिर सब कर जाइयो, और नेका तो ठीक ठाक लगे रही हो तो चैनल है वैनल है ने कर लियो, ने बगल में जो लाल सी बटन है दिखाए सब्सक्राइब वब्सक्राइब तो वहीं मन में आवे ने दावे दियो, ना आवे तो कोई बात ना है, तुम सवाल ने कत्तु रहो सिलेक्शन ले लियो वो जरूरी है, और चैनल वैनल जितो बढ़न हो आज नहीं करेंगे 2 महीना पीछे करेंगे 2 साल पीछे करेंगे, कोई तो करेगा हम डाँत ही रंगे, हम डाँत ही रंगे, कोई तो करेगा कबू तो करेगा, आज नहीं करेगा 2 साल पीछे करेगा, करनो भरेगो पढ़नो है तो करनो है, कितना है जीनो है तो सीनो है, तो जींगे तो सींगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, तो सब्सक्राइब तुम कर लियो वैसे कर ले होंगे बहुत ना उसे आ रहे हैं बहुत चालाक है वो पता है, तुम वीडियो ना देखे हुए नोटिफिकेशन ले हुए पहले ही कर लेते हैं, कोई बात ना वो तो अच्छी बात है कर लियो ठीक है, कन्नो पत्तो है ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक बार लास्ट टाइम बोल देते हैं कि लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी।
उसे कहते हैं। तो गाइज आपको समझ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर गए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।